प्रत्युष मणि से जुड़ा हुआ हत्या का मामला है। परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। बीजेपी नेता प्रत्युष मणि की चाकू घोंपकर हत्या हुई थी। केसरबाग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है, जहां पर प्रत्युष मणि हत्याकांड से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। मामले में परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता प्रत्युष की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया था और उसी के बाद परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के अलावा आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर केसर बाग इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो बीजेपी के नेता थे प्रत्युष मणि, जिनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से उनके समर्थकों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया था। अपराधियों को सजा देने की मांग यहां पर की गई थी, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग यहां पर की गई थी। तो वही परिवार को आर्थिक सहायता देने की गुजारिश मांग भी यहां पर की गई थी। जोरदार हंगामा यहां पर किया गया था। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तुषार श्रीवास्तव फोन लाइन पर मौजूद हैं। तुषार, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है बीजेपी नेता प्रत्युष मणि हत्या मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे भी अभी नहीं बीते थे तब तक दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये भी नहीं कंफर्म कहा जा सकता है कि ये दोनों आरोपी ने ही हत्या की है, लेकिन अगर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया था उनके परिजनों के द्वारा कि इन्हीं दोनों से पहले एक बार झगड़ा हो चुका था प्रत्युष मणि का, तो इन्हीं दोनों से उनका एफआईआर दर्ज कराया गया था। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अभी से जब पुलिस पूछताछ करेगी, इनसे इंटरोगेट करेगी, तब उसके बाद पूरे मामले सामने आएगा। वहीं समर्थकों और परिवारों ने अनुदान राशि की भी मांग की थी, पैसे की मांग की थी, जिसको लेकर सीएम ने कल 10 लाख रुपए उनके परिजनों को सौंप दी आर्थिक मदद की है। हमारी एसएसपी को भी हटाने की मांग लगातार उनके समर्थक कर रहे हैं। कल काफी स्थिति तनावपूर्ण रही, भारी पुलिस फोर्स के सुरक्षा में उनके प्रत्युष मणि की बॉडी को अंत्येष्टि के ले जाया गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फेल्योर इस समय पुलिस, लखनऊ पुलिस का माना जा रहा है इन सब मामलों के बीच, कि क्यों नहीं आखिर में उनको पहले सुरक्षा दी गई, क्योंकि इससे पहले वो सुरक्षा मांग चुके थे। जब कुछ लोगों से झगड़ा हुआ तो उस समय भी उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। और साथ ही सबसे बड़ी बात, पुलिस स्टेशन महानगर थाने के चंद कदम की दूरी पे ये वाकया हुआ। 10 से 11 बजे इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके लिए देखा, क्योंकि वहीं पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग गश्त रहती है, पुलिस चौकी वहीं पर है, पुलिस थाना वहीं पर है, बकायदा भारी संख्या में पुलिस फोर्स का वहां डिप्लॉयमेंट रहता है, वहां तैनात रहती है। इतनी बड़ी घटना के बाद जो उनके समर्थक है वो काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के बाद ये बड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर की गई। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार इस तमाम अपडेट के लिए।